कि पिरभोर थाना अंतर्गत सब्जी बाग के नज़दीक स्थित कुतुबुद्दीन लेन में शकील अहमद नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर देखने को मिला है, जहां एक होटल व्यवसाय को बैक टू बैक 5 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। मामला पिरभोर थाना क्षेत्र के कुतुबुद्दीन लेन का है, जहां होटल व्यवसायी जो है वो अपने नए जमीन को देखने आते हैं, उसी दरमियान बाइक पर बैठे हुए थे और अपराधी 3 की संख्या में आते हैं और दनादन एक के बाद एक 5 गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे मृतक का बॉडी रखा हुआ है वो अपने बाइक पर बैठे हुए और खून के धब्बे भी ये रोड पे नज़र आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे खून के धब्बे और साथ में वहाँ पे मौके पर पहुँची जो पिरभोर थाने की पुलिस है वो 5 खोखा बरामद कर लेते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पटना के टाउन DSP अशोक कुमार सिंह क्या कुछ कहा, नज़रा पहले ये सुनिए। सर, एक हत्या हुई है, क्या कुछ सर पूरा मामला है? जानकारी प्राप्त हुई कि पिरभोर थाना अंतर्गत सब्जी बाग के नज़दीक स्थित कुतुबुद्दीन लेन में शकील अहमद नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पता चल रहा है, जैसा कि वहां पर 5 खोखा भी नज़र आ रहा है, तो 5 गोली संभवतः उनको मारी गई होगी अपराध कर्मियों के द्वारा। घटनास्थल पर ही पता चल रहा है कि उनकी मृत्यु भी हो गई थी। वे मोटरसाइकिल से कहीं से आए हुए थे और घटनास्थल के पास उनका एक पता चल रहा है कि उनका एक मकान भी है, जिसको लेकर कुछ विवाद की संभावना जताई जा रही है और उस विवाद को लेकर के ही हत्या की संभावना भी हो सकती है। तो मोटरसाइकिल पर चढ़ते या उतरते समय बेचारे को 5 गोली अपराध कर्मियों के द्वारा मारी गई, जिससे कि मौके बर्दात पर उनका मृत्यु हो गया था। सर, कितने क्या करते थे? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि कुछ जमीन या संपत्ति का विवाद का मामला, जैसा कि घटनास्थल के पास पता चल रहा है कि वे हाल ही में एक मकान खरीदे थे, जिसको लेकर के कुछ विवाद हो सकती है। और वे होटल, उनका होटल भी चलता था पटना जंक्शन के नज़दीक न्यू मार्केट में, तो उनका यहाँ आना जाना होगा। वे यहाँ से नज़दीक में ही कोरी टोला में रहते थे, उनका मकान, जैसा कि जानकारी मिली है कि 2-3 मकान है उनका पटना में, तो संपत्ति के विवाद का मामला हो सकता है। सर, कितने की संख्या में अपराधी की कुछ जानकारी मिल रही है कि नहीं? अभी तो अपराध कर्मियों की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनकी संख्या कितनी थी, क्या थी और किधर से आए थे, कौन थे। इस संबंध में जो भी CCTV कैमरा गली में है उसको देखा जा रहा है और घटनास्थल पर भी एक CCTV कैमरा लगा है, लेकिन मकान मालिक का कहना है कि 10 दिन से CCTV कैमरा खराब है। वहाँ से 40-50 गज उत्तर तरफ ये कैमरा है, उसको हम लोग देख रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि इसमें किन अपराध कर्मियों का हाथ है। जिनका भी हाथ होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हम लोग घटना के बारे में पता करेंगे और घटना को उद्भेदन करेंगे। तो आपने सुना, टाउन DSP अशोक कुमार सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से जो गोलीबारी की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जमीनी विवाद बताया जा रहा है। हालांकि अभी वो जांच जारी है, हालांकि मौके पर कुछ ही देर में FSL की टीम भी आने वाली, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अपराधी जो है कितनी की संख्या में थे और कितनी गोलियाँ मारी गई। हालांकि पटना के टाउन DSP ने साफ तौर पर कहा है कि जाओ मौके वारदात पर जो है 5 खोखा भी बरामद किया गया और जल्द से जल्द पटना पुलिस जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर पाएगी। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR पटना।